ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है दोस्तों ये ऐसे अभी कभी भी उड़ जाएगा। बेचारे अंकल बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव कर पाना यार। आवाज से ही आप देख सकते हैं दोस्तों कितना तेज फ्लो है एंड बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं, इसलिए इतनी जोर की आवाज हो रही है। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों वो है वाटरफॉल। वाटरफॉल मानसून में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मेंढे हैं, मेंढे मेरे पीछे मेंढा आया था। ये जगह है दोस्तों रानी नाला वाटरफॉल। बर्फ यहाँ पे भी ख़त्म हो गई है पूरी तरह से। तो यहाँ पे रुके, इसके बगल में ये दूसरा वाटरफॉल है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? तो दोस्तों सबसे पहले आज आपको 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे है आज हमारा, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज मैं जा रहा हूँ दोस्तों रोहतांग। काफ़ी दिन हो गए थे, ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो गया दोस्तों रोहतांग पास नहीं गया था। एंड क्योंकि बीच में मानसून भी चली थी, मानसून अभी भी है दोस्तों बट कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है। बट आज सो गाइज अभी मैं कोठी में रुका हुआ हूँ, यहाँ पे खाने पीने के लिए सामान ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद गुलाबा बैरिया जाएंगे, वहाँ पे चेक पोस्ट है, फिर जाएंगे रोहतांग पास। बर्फ़ वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों, बर्फ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी बारिश कंटिन्यू हो रही है तो बारिश से वो बर्फ़ जो है पिघल जाती है। तो अभी चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं रोहतांग पास का आज का कैसा कैसा रहेगा। गाइज ये गुलाब कोठी है सागू वैली। एंड नाले आपको क्या बताएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि बरसात का मौसम अभी भी चालू है, तो कुछ बोल नहीं सकते कि कैसा कैसा रहेगा। गाइज अभी हम पहुंच गए हैं गुलाबा बैरियर में, यहाँ पे चेक पोस्ट में गुलाबा में परमिट चेक करा के अभी हम रुक गए हैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए। वॉशरूम भी यहीं पे है, साफ सुथरे दोस्तों, क्योंकि रोहतांग में थोड़ा मिलना मुश्किल है। जस्ट यहाँ पे हमने दोस्तों एंट्री कर ली थी, अभी सबकी एंट्री यहीं पे होती है। एंड गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी। मौसम की बात करें तो दोस्तों पूरा चारों साइड फॉगी फॉग है। अभी रोहतांग पहुँच के देखते हैं कैसा मौसम बनता है वहाँ पे। इसके पहले रुकेंगे वहाँ पे वाटरफॉल में। दोस्तों भले ही आजकल मौसम का मानसून का टाइम है बट मैं टूरिस्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यार, क्योंकि 3-4 दिन पहले से ही सारी वॉल्वो बसेस मनाली प्रॉपर पहुँच रही है। उससे पहले रोड जगह जगह ख़राब था तो बसेस नहीं आ रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं गुलाबा बैरियर में काफ़ी गाड़ियाँ लग गई है, क्योंकि काफ़ी पब्लिक आ रही है तो इसका मतलब अभी ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप ट्रेवल कर सकते हैं। सिर्फ बारिश का ही है। दोस्तों आपको रोहतांग वाले रोड पे ये वाले टैंकर भी दिख रहे होंगे कि इनमें पेट्रोल डीजल केरोसिन होता है, तो इनको एक्चुअल में अटल टनल से अलाउड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये हाई एक्सप्लोसिव थिंग्स है इनके अंदर, तो तब करके इनको रोहतांग होके ही जाना पड़ता है चाहे मौसम साफ़ हो चाहे ख़राब हो। तो तब करके अभी ये यहाँ पर गुलाबा में रुके हुए हैं और अभी हम जाएंगे ऊपर। पूरे रास्ते में फॉग ही फॉग यार, लग रहा है रोहतांग तक ऐसा ही जर्नी रहेगी पूरे फॉग ही फॉग में, क्योंकि बारिश भी कंटिन्यू हो रही है साथ में। ये है ना नाला, हाँ ये वाटरफॉल है भैया, राला फॉल, कराला ऐसा कुछ, क्या नाम है इसका? राला फॉल, कराला वो राला राला। दोस्तों गुलाबा बैरियर के बाद हम लोग पहुंच गए हैं राला फॉल के पास।
राला फॉल पीछे है, इसके साथ में ये हम दूसरे वाटरफॉल पे रुके हुए हैं। गाइज राला वाटरफॉल जो है इसके पीछे वाले मोड़ के पास है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई थी तो टेम्पो ट्रैवलर के लिए जगह नहीं थी तो यहाँ पे रुके। इसके बगल में ये दूसरा वाटरफॉल है, ये सब लोग भाई फोटो खींचने के लिए यहाँ पे रुके हैं। बारिश कंटिन्यू हो रही है दोस्तों, बट टूरिस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं रोहतांग पास। एंड एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों, अभी पूरा फॉग है बट अदरवाइज आपको चारों साइड वाटरफॉल ही वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं। ये स्पेशली आपको मानसून में ही मिलेगा देखने को, अदर टाइम में वाटरफॉल कम होता है दोस्तों, बट इस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा फॉग के कारण। यहाँ पे भाई नीचे लेक होती थी, हाँ यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। बेचारे खाली पड़े हुए हैं। ये जगह है दोस्तों रानी नाला, यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं वाटरफॉल के लिए। पहले यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ हुआ करती थी रोड के दोनों साइड, बट अब सारी बर्फ़ जो है पिघल गई है और कंटिन्यू बारिश हो रही है, इस करके भी बर्फ़ जो है पिघल जाती है दोस्तों। कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाइस अभी रोहतांग पास पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे जो हवा चल रही है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। रोहतांग पास का बहुत गाड़ी भी मैंने जस्ट इसके साथ में ही लगाई थी दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा दूर लगाएंगे गाड़ी तो यहाँ से उतरना मुश्किल है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि आपको बता नहीं सकते। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है दोस्तों ये ऐसे अभी कभी भी उड़ जाएगा। बेचारे अंकल, बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव कर पाना यार। व्यू आपको कुछ भी नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि चारों साइड फॉग ही फॉग है। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आई है, इस साइड भी आगे तक पूरा रोड बंद है एंड इस साइड भी नीचे तक। हवा इतनी तेज़ चल रही है यार, अभी जाके थोड़ा सा बारिश कम हुई है, इससे पहले इतनी बारिश हो रही थी कि किसी को रोड में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। अभी चलेंगे दोस्तों आगे कुकसर और ज़ीरो पॉइंट, वहाँ पर भी गाड़ियाँ रुकती है, वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ शायद मौसम साफ भी हो सकता है आगे। अभी दोस्तों कुकसर पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ है, मतलब धूप नहीं है बट बारिश भी नहीं है एंड नॉर्मल वेदर है, तब करके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है। एंट्री होगी यहाँ पे गाड़ियों की। ये मेंढे है, मेंढे मेरे पीछे मेंढा आया था, ये मेंढा आई, मेंढा इस टाइम थोड़ा विकसित नहीं है, वो टक लड़ना नहीं है, वो आ गया। तो भीड़ लगी रहती है ऐसे, एक बार देखी मैंने, चीज बड़ी सही बनाई है, लेकिन कोई कह सकता है इसकी इतनी लंबी सुरंग होगी, एक तरह से गेट है बहुत ज्यादा दूर है भाई, वो जैसी होती है। दोस्तों जैसे ही हम लोग लाहौल की तरफ से मनाली की साइड अटल टनल क्रॉस करके आए, आप देख सकते हैं सुबह से बारिश कंटिन्यू हो रही थी एंड स्टिल अभी तक बारिश हो रही है यार, शायद काफ़ी नुकसान हो जाएगा
इस बाजी से। दोस्तों रोहतांग से जाके हम लोग पहुंच गए थे मनाली बस स्टैंड पे। मैंने उनको छोड़ दिया है एंड थोड़ा सा आपको बारिश के बारे में बता देता हूं। दोस्तों मानसून का टाइम है बट बारिश कंटिन्यू है मनाली में। अभी मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है एंड आज तो ज़्यादा ही हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्यास रिवर, उसका फ्लो यार सुबह में जब रोहतांग गया था तब कम था बट अभी ऊपर सोलांग वैली में वहाँ पर बादल फटा है तो शायद ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तब करके पानी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आवाज़ से ही आप देख सकते हैं दोस्तों कितना तेज़ फ्लो है एंड बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं, इसलिए इतनी जोर की आवाज़ हो रही है।